देश में प्रथम तबक्का मतदान पूर्ण थई चुक्यू छे अने हवे बीजा चरण माटे पण पक्षो झंझावाती प्रचार करी रह्या छे। प्रधानमंत्री मोदी पण एक बाद एक ताबड़तोब रेली संबोधी रह्या छे। वडाप्रधान मोदीए महाराष्ट्र नांदेड़मां चूंटणी रेलीने संबोधित करीने विपक्ष पर आकरा प्रहार कर्या। पीएम मोदीए कह्युं के प्रथम चरणमां एनडीएना पक्षमां मतदान थयुं छे। साथे पीएमए कटाक्ष करता कह्युं के मतदान वधारवा माटे एनडीए सिवायना पक्षो पण मेहनत करे। कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। और मैं राजनीतिक क्षेत्र के सभी दल के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, भले आपको लगता हो आज कि भाई अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें, मैं उनको भी कहता हूं लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा। ऐसे निराश हो गए क्या बैठ गए हो? और इसलिए जिनकी हार सुनिश्चित है उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हौसला बुलंद करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मतदाताओं को जरूर मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि दुनिया के लोगों को, दुनिया में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, भारत में जब इतना सारा वोटिंग परसेंटेज होता है उसका विश्व पे प्रभाव होता है। प्रधानमंत्री मोदी कहूं के ईडी गठबंधन नो चेहरो कौन छे? लोगों ने जो ईडी गठबंधन ने मत आपवो होय तो त्याना कोई नेता तो होवो जोईए ने, प्रजा कोना हाथ में सुकान सौंपे? पीएम मोदी ईडी गठबंधन पर प्रहार करता कहूं के देश की 25% बैठक एवी छे जेमा ईडी गठबंधन ज अंदर अंदर एक बीजा नी सामे चूंटणी लड़ी रहा छे। कि पहले चरण में वोटर्स ने ईडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये ईडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ, इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25% जहां ये ईडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है? चलो भाई एकाध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं, 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? वडाप्रधान मोदीए कांग्रेस परिवार पर प्रहार कर्या। तेमणे कह्युं कांग्रेस परिवार पण खुद कांग्रेस ने मत नहीं आपी शके तो राहुल गांधी ने आ वक्ते वायनाड छोड़ीने पण भागवुं पड़शे। और देखिए कांग्रेस के जो शाहजादे हैं
उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को, ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा, खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा।